हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड में। आज हम दोस्तों देखेंगे एक पेपर। ये दोस्तों ग्रुप सी व एसएससी दोनों के लिए बनाया गया है। इसमें जो रीजनिंग है वह एसएससी लेवल की है, जो कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है। और जो जीएस का पोर्शन है दोस्तों, उसमें उत्तराखंड और पॉलिटी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको अभी सिर्फ प्रश्न का भाग बताऊंगा और चाहूंगा कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व करें, और इसकी उत्तर कुंजिका दोस्तों मैं कल दोपहर में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पढ़ने का जो मोटिव है, जो एम है, वह इसलिए है कि यदि आपको इनमें कुछ साफ अक्षर ना दिखाई दे रहे हों तो उन्हें क्लियर किया जा सके। तो दोस्तों मैं इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आशा करता हूं आप लोग इसी स्पीड से इसे समझेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, ए बी सी डी और ई पांच पुस्तकें हैं। सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन है ई बी ए सी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां इन दोनों के बीच में हैं? 6, 8, 7 या 11? एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, 4:30। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, देखता है। टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखेगा या देखता है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, यह पांचवा प्रश्न है दोस्तों, और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। तो आपने बताना है प्रारंभिक स्थान से वह या प्रारंभिक स्थल से वह कितने दूर है। छठवा प्रश्न है दोस्तों, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, तो जे का डी से क्या संबंध है? ऑप्शन है पुत्र, भतीजी, भतीजी, भांजी, भतीजा या भांजा। सातवां है दोस्तों, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, वर्ष 2000 में इसे किस दिन मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस को। यहाँ गणतंत्र दिवस की बात की गई है और यहाँ स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन है मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार। 15 जुलाई 1768 को कौन सा दिन था? किसी कैलेंडर लीप वर्ष में मार्च के समान अगला माह कौन सा होगा? ऑप्शन है दोस्तों ये। 1993 के समान अगला वर्ष कौन सा होगा? 2007, 2009, 2012 या 2018? बीते कल से पहले दिन से पहले दिन, बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है, तो आज कौन सा दिन है? दोस्तों यदि स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो इसीलिए मैंने आपके पास हार्ड कॉपी दिखाई है, ताकि आप स्टॉप करके खुद सॉल्व कर सकें। 12वां है, कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार? यदि मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है तो घड़ी में समय होगा 4:05, 3:50 या 4:30? 6 से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? किसी लंबवत दर्पण में यदि 1:30 बज रहे हों तो वास्तविक समय क्या होगा? 4 व 5 के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? प्रश्न 17 से 20 दोस्तों। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक षष्ठभुजाकार यानी सिक्स
कॉर्नर्ड टेबल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी के दाएं दूसरा है। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा है। सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है जो ई के दाएं दूसरा है। प्रश्न 17 दोस्तों, ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है? पहले आपने दोस्तों इसका डायग्राम बनाना है। डी के तुरंत दाएं कौन है? सी के दाएं दूसरा कौन है? बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा है? 21 में दोस्तों पासा बना हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है या 6, 1 2। फलक 3 के पीछे या विपरीत बताना है आपने कौन सा अंक होगा। प्रश्न 22 दोस्तों, किसी कूट भाषा में ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है, तो आपने बताना है दोस्तों डिटरमाइन का कोड क्या होगा। यह है TER NER GER FER LER TER KER। सिमिलरली दोस्तों ये है MER DER और GER। तो वैसे ही आपके दोस्तों ऑप्शन है ये जेर टेर फेर और नेर। यदि फिश को ERG लिखा जाता है तो उसी भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा? ड्रॉप्स को किसी संकेत में HKLIW लिखा जाता है तो डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न 25वां दोस्तों, इसे करने की कोशिश करिएगा। अंडर रूट AFI रेशियो M, अंडर रूट ADD रेशियो L, अंडर रूट ABA रेशियो 13, अंडर रूट BEF रेशियो 116। आपने बताना है ऑड वन आउट। अब दोस्तों उत्तराखंड शुरू हो गई है। गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेक में नागपति नाग नाग के अतिरिक्त किस नेपाली शासक का नाम अंकित है दोस्तों? अमर सिंह, हस्तिदल चौतरिया, कराचल देव या अशोक चल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? बनकोट, कसार देवी, बैलत्रा या फलसीमा। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था? ईष्टगण, ललित सूरदेव, भूदेव या निम्बर। अकबर से मिलने लाहौर कौन चंद शासक गया था? रुद्रचंद, रूपचंद, बाज बहादुर चंद या कीर्तिचंद। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? आदि गुरु शंकराचार्य ने किस राजवंश के शासनकाल में उत्तराखंड में पर्दापण यानी आगमन किया था? निम्न में से सम्मिलित नहीं है, देहरादून का सुल्तान, महावीर त्यागी, गिरदा, गौरीदत्त पांडे, कुमाऊ केसरी, बद्रीदत्त पांडे या गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट। किस जनजाति को केदारखंड में भील कहा गया है? किरात, कोल, खस या यक्ष। अब दोस्तों प्रश्न लेते हैं जरा उत्तराखंड की जनजातियों से। थारू लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या भोजराज। विवाह की सगाई रस्म को थारू में क्या कहा जाता है? पक्की पोड़ी, बात कट्टी, दिखनोरी या उसरी प्रथा। जौनसारी जाति की ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? सयाणा, खेत, खुमरी या नन ऑफ द अबव। फादर ऑफ जौनसार वावर से सम्मानित व्यक्ति हैं केदार सिंह, भाव सिंह, देवी का चौहान या गुलाब सिंह। जौनसारी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? झंगोली, डिगुबा, जगा या डाटू। लाडू और साकुली नामक पकवान किस मेले में बनाए जाते हैं? नुणई, पंचाई, बिस्सू या दियाई, जो कि दीपावली को कहते हैं जौनसारी लोग। थारुओं द्वारा किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC वाला जिला कौन सा है इनमें से? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। यहाँ दोस्तों प्रतिशत की बात हुई है और यहाँ जनसंख्या की। कौन सी औषधीय वनस्पति का निर्यात फ्रांस को किया जाता है? अमेस, किलमोड़ा, झूला या घिंगारू। बायोडीजल के लिए राज्य में किसकी खेती की जा रही है? इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ है? ताड़ीखेत, रानीखेत, मोहान या श्रीनगर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पुष्पावती, पुष्पावली, पुष्परसा या पुष्पकला। नैना देवी हिमालय बोर्ड कंजर्वेशन रिजर्व किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चमोली, हरिद्वार या उत्तरकाशी। निम्न में से क्या उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? बुरांस, कॉमन पिकॉक, ब्रह्म कमल या जजुराना। पूर्वी धौली गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? निम्न में से किस ताल का जल उबलता रहता है? राज्य में 3,000 से 4,200 यानी 4,200 मीटर की ऊंचाई तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीत शुष्क जलवायु, हिमानी जलवायु, एल्पाइन जलवायु या शीतोष्ण जलवायु।
प्रश्न 52 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व तिब्बत को नहीं जोड़ता? भयुंडार, घाटल्या, तंजुन, साग चोकला या साम चोकला भी से कहते हैं। पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सी काव्या नहीं रची गई? मानोदय काव्या, शैनिक शास्त्र, सुदर्शन सुदर्शनोदय काव्या या गणराज्य वंश? उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों, इसे सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल समाचार, समय विनोद या गढ़वाली? राज्य अल्पसंख्यक आयोग यानी उत्तराखंड की बात हो रही है, के वर्तमान अध्यक्ष हैं एनएस बिष्ट, एनएस बिंद्रा, योगेंद्र खंडूड़ी व जगदीश भल्ला। अब दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। लोकसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रश्न 59, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? प्रश्न 60, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है किया गया है? 39 का, 39 घा, 39 गा या 41? निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या अध्यक्ष यूपीएससी? उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या लोकसभा के द्वारा? इसका भी सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कितने समय में प्रवर्तन में रहती है? कौन सम्मिलित नहीं है? विधि निर्माण प्रक्रिया, फ्रांस, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, वित्तीय आपात, अमेरिका, संघीय व्यवस्था, कनाडा। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया है, अर्थात मूल संविधान में था? समाजवादी, संप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष या राज्य की अखंडता? मणिपुरी भाषा कब जोड़ी गई दोस्तों? 67, 92, 2003 या 1971 में? मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे व किस एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? यदि कोई दोस्तों इस प्रश्न को व्हाट्सएप पे चाहता है तो वह इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है, 7409425704 पे। और दोस्तों कल मैं इसका दिन में आंसर की अपलोड कर दूंगा, और यदि किसी को किसी रीजनिंग में प्रॉब्लम हो तो वह कमेंट करें ताकि मैं उस रीजनिंग का भी आंसर वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों इस परीक्षा को सॉल्व करके आपने अपने को अज्यूम करना है, आपने हमने देखना है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों इस पेपर में यदि आप 45 से ऊपर स्कोर करते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।